है बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत दिन हो गया तभी तो वीडियो नहीं डाले थे, तो कारणवश अब कारण समाप्त हो गया। अब हर दिन वीडियो को अपलोड करेंगे, आप लोग देखिए। बच्चों हम लोग पीछे पढ़ा रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ITF बोलते हैं, और इसे टोटल आता है 5 मार्क्स। इसमें आप लोग को जो भी प्रॉपर्टी इसका था वो सारा आप लोगों को बताया गया, इसका प्रूफ के साथ बताएं। एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किए थे, आज से एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों को जो भी पीछे बताया गया है आप उसको रिवीजन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अब इसका उपयोग करने वाले हैं। जो भी पीछे बताया गया है अब उसका उपयोग करेंगे, इसलिए आप क्या कीजिए, बढ़िया से उसको रिविजन करके ध्यान में रखिए और रिवीजन कर लीजिए। चलिए बच्चों आते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान निकालना है। साइन इनवर्स √3/2 दिया हुआ है, साइन इनवर्स √3/2। अब रह गया कि आप इसको बनाएंगे कैसे, तो बहुत सिंपल है, बस आप उसको आपको बोर्ड पे ध्यान देना है। और कहीं आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहां तक पहुंचे। और जो आपको सिलेबस बताया जा रहा है, खास करके 12 बच्चों को बोल देते हैं, आप उसी को नोट्स में लिखिएगा। बहुत सारा ट्रिक भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो वो सब जो ट्रिक वाला चीज जो बताया जाएगा, बस आपको देखना है, समझना है और उसको लिखना नहीं है। आगे उसका काम देगा, जब आप कंपटीशन का तैयारी करते हो तो उसमें इसका उपयोग कर सकते हो और उपयोग करना है। लेकिन अभी ये सब चीज पे ज्यादा आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। देखिए यहाँ पे तो साइन इनवर्स √3/2 है, तो बच्चों यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले साइन इनवर्स √3/2 है, तो अब आपको सोचना है आखिर √3/2 इधर साइन इनवर्स है तो √3/2 साइन के फॉर्म में सोचना है कि कितना डिग्री का मान होता है। ये टेन इनवर्स रहता तो √3/2 टेन के बारे में सोचते कि आखिर ये कितना डिग्री का मान होता है। जब कॉस इनवर्स रहता तो √3/2 कॉस के फॉर्म में सोचते कि कितना एंगल का मान होता है। इसी प्रकार आपको सोचना है। लेकिन यहाँ से साइन इनवर्स है √3/2 जो आप लोग 10th क्लास में और जो आप लोग को 11th क्लास में हम बताए थे टेबल 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, अभी उसका उपयोग करेंगे। और बस आप उसको ध्यान में रखिए, सारा जो है उसी का उपयोग करके हम सारा क्वेश्चन को, सारा सवाल को बना कम्प्लीट कर देंगे। तो बच्चों अब आप यहाँ पे √3/2 आप बताइए कि साइन के फॉर्म में कितना डिग्री का मान होता है। आप कहेगा सर साइन के ही फॉर्म में क्यों लिखना है, तो साइन के फॉर्म में इसीलिए लिखना है दोस्तों, फॉर्मूला में साइन के फॉर्म में लिखने के बाद सेट हो जाएगा। कहेगा सर कौन सा फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया था साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ये फॉर्म में आ जाएगा। साइन इनवर्स है, साइन एक्स होता है, लेकिन ये भी बताया गया था एक्स बिलोंग करना चाहिए −π/2 से कहां तक, π/2 तक करना चाहिए। −π/2 का मतलब भी समझ लो, −90 से कहां तक, 90 तक करना चाहिए। मतलब ये भी हो सकता है −90 डिग्री हो सकता है, +90 डिग्री भी हो सकता है, इसके अंदर वाला भी कुछ अंदर जो भी मान आता है वो भी हो सकता है, बताया जाएगा लाइन खींच करके। तो √3/2 साइन के फॉर्म में बच्चों आपको पता होना चाहिए इसका होता है 60 डिग्री का होता है, और उसको हम लोग रेडियन में हम लोग बोलते हैं π/3 लिख दिया गया। अभी फॉर्मूला बताया गया साइन पर साइन बराबर एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स के बदले कितना, एक्स हो जाएगा, एक्स के बदले कितना आ जाएगा बच्चों π/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ आपको अब ये भी चेक करना है क्या इसके रेंज के अंदर आया तो नहीं आया, तो चेक करने के लिए देखिए π/3 मतलब 60 डिग्री, π/3 मतलब पाए का मान 80 होता है, 3 से भाग करेंगे 60 आएगा, 60 डिग्री आया। अब देखो इसका रेंज लिखाया गया तो −π/2 से π/2 तक, कहने का मतलब −90 से
प्लस 90 तक, माइनस 90 से प्लस 90 तक कोई भी मान कहीं आ रहा है तो उसका रेंज मतलब उसका सोल्यूशन होगा। तो यहां भी 60 डिग्री आया जो इसके अंदर ही है, कारण कि यहां पे जीरो तो पक्का इधर जो भी होगा मान लेते हैं माइनस 30 माइनस 45 माइनस 60 है ना, और यहां पे वही प्लस में मानेंगे 30 45 और 60। तो दोस्तों इसके अंदर और मान आता है जैसे माइनस 30 हो गया, माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 आता है, लेकिन अभी वो सब जो भी है एंगल में आएगा तेरा। एंगल का मतलब जीरो आ सकता है, 90 आ सकता, जीरो आ सकता है, 90 आ सकता है, 60 आ सकता है, 30 आ सकता है, 45 आ सकता है, यही सब आएगा। इसे और आगे आएगा जो जिसे जिसे रेंज जिसके अनुसार रेंज होता है वैसे वैसे आ सकता है, उसके मुताबिक आता है, आगे भी बताया जाएगा, आगे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हो 60 डिग्री है जो क्या है 90 के अंदर है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। यही कहीं 90 से अबव रहता 120 रहता तो 95 रहता तो 91 रहता, अब तो 90 पॉइंट कुछ भी रहता, 90.1 भी रहता तो नहीं होता। यही चीज को आपको ध्यान में रखना है, भूलिएगा नहीं, नहीं पता चलेगा बना के आ गया कहेगा 100 में 100 बनाया, पता चला 100 में एक जीरो हटा दो बस आ जा, तो ज्यादा घट जा रहा है तो कम है घटाना, जीरो नहीं काटना। चलिए देखिए सेकंड पे आते हैं, 10 inverse -1/√3, 10 inverse -1/√3 है। अब इसे बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या है ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, रखे होंगे या नहीं रखे होंगे यहां से रख लीजिएगा, 10 inverse -x बराबर क्या होता है -10 inverse x होता है, ठीक है। तो यहां पे आपको सबसे पहले माइनस को बाहर निकाल देना है, 10 inverse आ जाएगा 1/√3। अब यहाँ के बाद 10 inverse 1/√3 10 के फॉर्म में आपको सोचना है कितना डिग्री का मान होता है, कितना एंगल का मान होता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे 1/√3 10 के फॉर्म में 30 डिग्री का मान होता है, 30 30 को हम लोग रेडियन में कितना बोलते हैं तो पाई बाय 6 बोला जाता है, लिख दिए। ये माइनस दो मिनट के लिए सोचना आपको नहीं है, तो 10 inverse 10 पाई बाय 6 है फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 6 आ जाएगा। इसके पहले माइनस माइनस लग गया, माइनस पाई बाय 6 आया, माइनस पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री। अब जो माइनस 30 डिग्री है इसका भी रेंज दिखाया है माइनस 90 से प्लस 90 तक, इसमें आपको ध्यान में है क्या रखना है, इसमें ओपन इंटरवल लिखाया गया है, क्या लिखाया गया ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल माइनस 90 प्लस 90 ये लिखा है ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि ना माइनस 90 होगा इसका सोल्यूशन और ना ही प्लस 90 डिग्री होगा, तो होगा क्या इसके अंदर वाला होगा, अंदर में क्या क्या सकता है 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, माइनस 30 हो सकता है, माइनस 45 हो सकता है, माइनस 60 हो सकता है, ये सब हो सकता है और इसके अंदर वाला हो सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन यही सब एंगल आएगा अधिकांश अधिकांश सवाल में यही सब एंगल आकर के रुकेगा, तो ये सब हो सकता है। तो माइनस 30 डिग्री जो आया तो माइनस 90 से कह सकते हैं बड़ा है क्या, और माइनस 30 डिग्री है जो इसके अंदर ही है, माइनस 90 के अंदर है और प्लस 90 के अंदर है, इसलिए सोल्यूशन होगा इसका। कुछ ऐसा सवाल अभी मिलेगा आप लोगों को, आप लोग जरा सब वीडियो पर बने रहे हैं, जो लाइव नहीं करेगा तो वहां पे कैसे आओ उसको लाइव करवाएंगे, कैसे उसके रेंज के अंदर आएंगे उसको देखिएगा आप। तो ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है इसी से हम बिता दे रहे हैं, आप फॉर्मूला को ध्यान में रख लीजिए जो लिखाया गया है, तीसरा नंबर cot inverse माइनस रूट थ्री, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें cot inverse माइनस रूट थ्री है, अब यहां के बाद फिर आपको फॉर्मूला बताया गया था, क्या बताया गया देखिए cot inverse माइनस एक्स बराबर क्या लिखाया गया है पाई माइनस cot inverse x, प्रॉपर्टी लिखाए हैं और इसको सिद्ध किए हैं और बताया गया था जो भी प्रॉपर्टी अभी लिखाया जा रहा है तेरा आपका एक फॉर्मूला बनते जा रहा है जिसे आपको ध्यान में रखना है। देखिए
तो यहाँ पे पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स रूट थ्री। अब यहाँ पे पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री है, रूट थ्री को कॉट के फॉर्म में सोचना है। तो रूट थ्री देखिए यहाँ पे टेन में था, टेन में टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री कॉट में बदल गया, तो रूट थ्री आएगा, 30 डिग्री का मान होगा। मतलब ये 30 डिग्री का मान हो जाएगा, 30 डिग्री या 30 डिग्री को रेडियन में पाई बाई सिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ के बच्चों में पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, तो एक्स होता है, एक्स के बोलिए कितना है पाई बाई सिक्स, तो आपको पाई बाई सिक्स लिखना है। यहाँ के बाद फिर एलसीएम मिलेंगे, तो वन और सिक्स का एलसीएम सिक्स आएगा, सिक्स को भाग रहे वन से, सिक्स आएगा सिक्स को इससे गुणा करेंगे सिक्स पाई, फिर सिक्स को भाग रहे सिक्स वन आएगा वन को इससे गुणा करेंगे, तो वन इंटू पाई इक्वल टू पाई आएगा। अब यहाँ के बाद दोस्तों सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिक्स पाई में एक पाई, छह आदमी निकल जाएगा, पांच आदमी बचेगा बाय सिक्स, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन चेक कर लीजिए आप इसको, फाइव पाई का मान 180 बाय में सिक्स, पाई किया 15 150 डिग्री आएगा। अब कॉट इनवर्स का रेंज कितना लिखाया गया था, कॉट इनवर्स का जीरो और पाई लिखाया गया था, ओपन टर्म लिखाए थे, ओपन टर्म का मतलब ना जीरो होगा ना पाई होगा, जिसका अंदर वाला होगा। मान लेते हैं एक लाइन है, यहाँ पाई है, ओपन है ना, सारा पॉजिटिव मान होगा इसके अंदर, है ना, जीरो पाई, तो कुछ भी मान सकते हैं, 30, 40 कुछ भी मान लिए, है ना, 60, 70 जो भी होगा, जीरो से 180 के अंदर होगा। तो यहाँ पे आया जो मान मेरा 150 डिग्री आया, 150 डिग्री जो है वो जीरो डिग्री से बाहर है, और 180 से क्या है छोटा है, मतलब लाइन पे ही लाई कर रहा, मतलब वो इंटरवल के अंदर ही लाई कर रहा, इसलिए मान बिल्कुल आपका सोल्यूशन होगा। तो ये चेक कर लीजिएगा आप, नहीं तो क्या होगा, आप चेक नहीं कीजिएगा तब बना करके आ जाओगे, तो कहेगा सब सही बनाए हैं। और कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया और हो सकता है उसमें लाइन ना करे, तो सही वाला क्या हो जाएगा आपका गलत, जैसे कि अभी तुरंत हम आपको बताने जा रहे हैं। चौथा नंबर ऐसा ही मिल गया था, उसको देखिए, जैसे यहाँ पे कॉट इनवर्स कॉट 5π/4 है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट एक फॉर्मूला में सेट है, आपको बताया गया है कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स होता है, ये ब्रैकेट रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, ब्रैकेट से आपको हवाना नहीं है, तो एक्स दिखाया गया है, तो उसी फॉर्म में कॉट इनवर्स कॉट 5π/4 के फॉर्म में है, तो कितना दे देगा, कहीं डायरेक्ट उतारेंगे तो 5π/4 उतार दिया। अब देखिए अब इसका कॉट इनवर्स का रेंज क्या लिखाया गया, जीरो से पाई, मतलब 0, 180 ओपन इंटरवल में, ना जीरो होगा ना 180 होगा, इसके अंदर वाला मान होगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कहीं डायरेक्ट लिख डायरेक्ट उतार देने बाद जो आया क्या इसे बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको देख लेते हैं। तो 5 180/4 45 चौक 180 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 45 × 2 225 आता है ना, तो 225 आया, जबकि इसका रेंज दिखाया गया था 0 से 180, मतलब 0 और 180 के बीच में, जबकि आ गया मेरा 225, तो 180 से अधिक हो गया। तो इस तरह कहीं उतार देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, और यहां से आप बना के एकदम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, नहीं सर हम तो वही बनाए फॉर्मूला से तो उतार दिए, लेकिन आप कहीं चेक नहीं कीजिएगा तो गलत करके आ जाइएगा, और गलत कर देने से फिर आपका मार्क्स मिलने वाला नहीं है। और इस टाइप का भी बहुत बार पूछा गया है, तो इस वर्ष का जो क्वेश्चन पूछा गया था टेन इनवर्स माइनस वन का पूछा गया था, जिसको हम जब आपको हम सिद्ध कर रहे थे फॉर्मूला को, उस समय इसका हम बता चुके हैं, इस सवाल को बता चुके हैं, देख लीजिएगा इसको। तो यहाँ भी आप समझ गए होंगे क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले अब आपको चेंज करना है, अभी कॉट इनवर्स कॉट देखिए, ये 5π/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस 5π/4 लिख सकते हैं। अब भाई यहाँ पूरा फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला उपयोग हो जाएगा, पाई प्लस 5π/4 लिख सकते हैं, ठीक है, कारण की एलसीएम लेंगे 4 और 5 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद बच्चों
ये पता होना चाहिए आप लोगों को। कॉट पाई प्लस थीटा लिख लेते हैं, कॉट पाई प्लस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ये थर्ड क्वार्टर में पहुंच गया, नो चेंज, मतलब थर्ड क्वार्टर में कॉट पहुंच गया प्लस ही होगा और पाई पे नो चेंज होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में तोड़ देंगे कॉट इनवर्स, इसके लिए कॉट थीटा हो जाएगा। थीटा कितना है, थीटा है कॉट थीटा, थीटा है पाई बाय फोर। तो यहाँ के बाद बच्चों क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला में भी टूट गया है ना, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा, थीटा कितना है पाई फोर है। तो आपको यहाँ पे पाई फोर लिखना है, पाई फोर मतलब 45 डिग्री। देखिए तो उसके अंदर आया, जीरो से बाहर ऑलरेडी क्या है छोटा है। तो आपको जो भी सवाल जो भी क्वेश्चन कहीं पूछा जाए तो आपको रेंज जो लिखाया गया उसको ध्यान में रख करके बनाना है और आप लास्ट में चेक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे पांचवा नंबर आते हैं, टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाय फोर है, टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाय फोर है। इसे आपको बनाना है, ये भी कहेगा फॉर्मूला में डायरेक्ट, ये भी फॉर्मूला में सेट है। तो इसे आपको फॉर्मूला नहीं तोड़ना है, डायरेक्ट आप कहीं लिख देते हैं तो थ्री पाई बाय फोर, कारण की कहेगा सर ये भी फॉर्मूला में है। तो नहीं यार, फॉर्मूला में जरूर है लेकिन कहीं हम डायरेक्ट एक्स लिखते हैं, एक्स के बदले थ्री बाय फोर लिखते हैं। तो ये मेरा माइनस नब्बे से माइनस नब्बे और नब्बे के बीच में उसके अंदर लाइन नहीं कर रहा। थ्री बाय फोर का मतलब थ्री इंटू 180/4 पैंतालीस चौक 180 होता है, 45 दिया 135 होता है। तो 135 जो आया दोस्त ये मेरा प्लस नब्बे से बाहर आ गया है, जबकि प्लस नब्बे के अंदर रहना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आप इसको अंदर लाने का सोचिए, माइनस नब्बे से बड़ा और नब्बे से छोटा लाने का आपको सोचना है। तो आप रह गए इसको कैसे लिखेंगे, क्या आ जाएगा, देखिए आप तो इसे कितना लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, ये रह गया। देखिए कितना लिख रहे हैं, पाई माइनस पाई फोर लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे फोर पाई, फोर पाई में खर्चा जाएगा थ्री पाई फोर आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं। अब यहां के बाद टेन पाई माइनस थीटा बराबर लिखाया गया है माइनस टेन थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, टेन वर्स माइनस टेन थीटा, थीटा कितना है पाई बाय फोर। अब एंगल डायरेक्ट नहीं उतारना है, क्योंकि ये एंगल कब उतरेगा जब इस फॉर्म में रहेगा, ये प्लस में होना चाहिए लेकिन ये तो भी माइनस में है तो नहीं उतारना है आपको। चलिए तो अब क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं उसको देखना है। आपको बताया गया है टेन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर क्या लिखाया है माइनस टेन थीटा लिखा है, मतलब माइनस बाहर निकल सकता है माइनस अंदर भी जा सकता है। अभी तेरा इस फॉर्म में है जिसको ये लिखना है, कभी कभी इसको इतना लिखना होता है, कभी कभी इसको इसको इतना लिखेंगे, कभी कभी इतना को इतना लिखना होता है। तो अभी क्या है, इतना है इसको इतना लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन माइनस पाई बाय फोर, फॉर्मूला आ गया टेन टेन इनवर्स टेन एक्स, एक्स के बदले कितना है माइनस पाई बाय फोर, देख लिया। तो इस तरह करना था, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझते होंगे और समझ में आ रहा होगा, नहीं आता होगा तो आप कमेंट कीजिए, मेन कमेंट कीजिए तो कमेंट कीजिए है ना, फोन से पूछिए। और कोविड 19 से आप लोग सेफ रहिए, सेफ जब तक नहीं रहोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को क्राउड में नहीं जाना है। अब बाहर जाते हैं तो बाहर से आने के बाद हाथ को अपनी सैनिटाइजर कीजिए और
और नहीं तो आकर के आप अपने हाथ को वॉश कीजिए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ के बाद आते हैं चौथा छठा नंबर, वी हैव अर्क साइन 1/2 प्लस अर्क कॉस 1/2 ये दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, हमको बताए थे हम आप लोगों को कि साइन कॉस एक्स को लिख सकते हैं अर्क साइन एक्स, ये बता दिया गया है आपको। अब उतारना भी कैसे कैसे उसको देखिए, यहाँ के बाद हल्का मैं समझा रही थी, अब इसको उतार सकते हैं, ऐसा नहीं इतना ये उतारने के, ये उतारिए फिर इसको उतारिए, कैसे कैसे लिख रहे हैं उसको आप देखिए, उसके बाद आप उसको हिंट वाला जो बगल बगल में हिंट करते हैं उसको आप लिख सकते हो, और जान रहा है तो नहीं भी लिख सकता है, लेकिन हमें पता है कि आप लोगों को ध्यान में नहीं होगा, भूल गया होगा, तो आप बगल में हिंट कर लीजिए, जैसे हम यहाँ पे हिंट कर लिया था, पेज जब लिखते हो तो पेज के ऊपर में जहाँ खाली रहता है आप वहां पे उसको लिख लीजिए, या तो बगल में भी इसका लिख सकते हो। तो अर्क का मतलब क्या है कि जो आगे जो ट्रिग्नोमेट्री लिखा हो उसमें इनवर्स देना, इनवर्स का मतलब पावर माइनस वन देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। अब यहाँ के बाद इसको हल कीजिएगा, तो हम हल नहीं करेंगे क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद है, हम आप लोगों को फॉर्मूला लिखा है साइन वर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन वर्स एक्स इक्वल टू लिखाया गया है पाई बाय टू, साइन वर्स कॉस इनवर्स, साइन वर्स हो कॉस इनवर्स हो जब दोनों का एंगल सेम हो तो पाई बाय टू देता है, यहाँ पे उसी फॉर्म में है दोनों का एंगल सेम है तो इसलिए पाई बाय टू देगा, आप इसे हल कीजिएगा तो पाई बाय टू ही आएगा। तो अब इसे इसी प्रकार जो भी क्वेश्चन और मिले उसको आपको बनाना है, कुछ और बता देते हैं, सातवां नंबर देखिए टेन वर्स